नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या खाते हैं। हमको लगता है कि चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि अल्टीमेटली आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ही खाते हो। और हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी, ये 6 आइटम्स ही होते हैं। आज मैं आपको जो आम तौर पर हमारे खाने में होता है, ऐसे कुछ सीरियल्स के बारे में, तृणधान्यों के बारे में बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि इनमें न्यूट्रिशनल जो घटक है, पोषक घटक है, वो क्या क्या है। तो इससे अपनी जानकारी बढ़ेगी, हमको पता चलेगा कि ज्वार में क्या ज्यादा है, गेहूं में क्या ज्यादा है, चावल में क्या जाता है और हमको कौन सी चीज इसमें खाना चाहिए। और ऐसे वीडियो मैं और बनाने वाला हूं जिसमें खाने के बारे में या चावल अच्छा है या गेहूं अच्छा है। और ये साल तो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, तो मिलेट्स के बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं बाजरा से। बहुत लोगों को बाजरा की रोटी पसंद है, खास करके हमारे देश में जब ठंडी का मौसम आता है उस समय लोग बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। इस बाजरे में 100 ग्राम अगर हमने लिया तो उसमें क्या मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। 100 ग्राम बाजरे में आपको 11.6 ग्राम प्रोटीन्स मिलता है, 5 ग्राम फैट्स मिलता है, 2.3 ग्राम मिनरल्स मिलता है। मिनरल्स का मतलब है अलग अलग प्रकार के जो धातु होते हैं। इसमें 1.2 ग्राम फाइबर है, तो मालूम है कि फाइबर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है वो 67.5 ग्राम इतनी है। 100 ग्राम बाजरा खाने से आपको 361 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम वो 42 मिलीग्राम है, फॉस्फरस 296 मिलीग्राम है और लोह या आयरन 8 मिलीग्राम है। ये रहा बाजरे के बाद। अब आते हैं ज्वार की तरफ। 100 ग्राम ज्वार में आपको 10.4 ग्राम प्रोटीन्स मिलेंगे, 1.9 ग्राम फैट्स मिलेगा, 1.6 ग्राम आपको मिनरल्स मिलेंगे और फाइबर भी 1.6 ग्राम मिलेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बाजरे से ज्यादा 72.6 ग्राम है। आपको लगभग 339 कैलोरीज एनर्जी इससे मिलेगी। इसमें कैल्शियम 25 मिलीग्राम, फास्फोरस 222 मिलीग्राम और आयरन या लोह 4.1 मिलीग्राम है। जो तीसरा धान्य है जो आमतौर पर लोग खाते हैं खास करके साउथ इंडिया में, वो है चावल। अब ये चावल मैं आपको घर में, मतलब जिसको हैंड पाउंडेड बोलते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसा हम राइस को पॉलिश करते हैं ज्यादा, तो इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा जो है, पोषक घटक कम हो जाते हैं। तो 100 ग्राम राइस में आपको 7.5 ग्राम प्रोटीन्स मिलेंगे, 1 ग्राम फैट्स मिलेगा, मिनरल्स 0.9 ग्राम्स मिलेंगे, फाइबर 0.6 ग्राम मिलेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सभी तृणधान्यों में ज्यादा है, वो लगभग 76.7 ग्राम इतनी है। 100 ग्राम चावल से आपको 346 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। इसमें कैल्शियम 10 मिलीग्राम, फास्फोरस 190 मिलीग्राम और आयरन या लोह 3.2 मिलीग्राम है। चौथी चीज जो है वो है गेहूं। अब जिस गेहूं के बारे में बता रहा हूं वो, यानी कि इसके छिलके भी है साथ में, जिसे होल व्हीट इसको बोलते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। 100 ग्राम गेहूं में आपको 11.8 ग्राम प्रोटीन्स, 1.5 ग्राम फैट्स और उतने ही मिनरल्स, 1.2 ग्राम फाइबर आपको मिलेगा। इसमें 71.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 100 ग्राम गेहूं से आपको 346 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। इसमें कैल्शियम की मात्रा 41 मिलीग्राम, फास्फोरस की मात्रा 306 मिलीग्राम और आयरन या लोह की मात्रा 5.3 मिलीग्राम है। और एक
तुरधान्य जो कुछ लोग खाते हैं, खास करके पंजाब में जो मक्के की रोटी बोलते हैं, तो जो मेज या मक्का है इसके बारे में जानकारी लेंगे। 100 ग्राम मक्के में आपको 11.1 ग्राम प्रोटीन्स, 3.6 ग्राम फैट्स, 1.5 ग्राम मिनरल्स, 2.7 ग्राम फाइबर मिलेगा। इसमें 66.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 100 ग्राम मक्के से आपको 342 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसमें 10 मिलीग्राम कैल्शियम है, 348 मिलीग्राम फास्फोरस है, 2.3 मिलीग्राम आयरन है। अब ये तो रहा किस तृणधान्य में हमको क्या मिलता है। एक चीज अगर आपने नोटिस की है तो आपको पता चलेगा कि 100 ग्राम सीरियल या तृणधान्य खाने से हमको लगभग 340-350 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इसमें हर धान्य में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप प्रोटीन्स की बात करेंगे तो होल व्हीट जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स यानी 100 ग्राम में 11.8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा और सबसे कम प्रोटीन्स चावल में 7.5 ग्राम आपको मिलेगा। अगर आप फैट्स के बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा कि बाजरे में सबसे ज्यादा फैट है यानी 5 ग्राम फैट बाजरे में है। अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे तो भी वो बाजरे में 2.3 ग्राम्स मिनरल्स है। फाइबर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फाइबर मक्के में है जो 2.7 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा करेंगे इसके बारे में सोचेंगे तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट राइस में है, लगभग 76.7 ग्राम्स। अब जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है उसमें उससे ग्लूकोज डाइजेशन के बाद ज्यादा निकलता है। अगर हम एनर्जी के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि बाजरे से 361 कैलोरी यानी सबसे ज्यादा कैलोरीज बाजरे से मिलती है। कैल्शियम के बारे में सोचेंगे तो सबसे ज्यादा कैल्शियम बाजरे में है, 42 मिलीग्राम। फास्फोरस के बारे में सोचेंगे तो सबसे ज्यादा फास्फोरस मक्के में है, 348 मिलीग्राम। और लोह या आयरन जो हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए वो काम की चीज है वो देखेंगे तो सबसे ज्यादा बाजरे में है, तो लगभग 8 मिलीग्राम है। अब ये जानकारी जब आप पाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो चीज आप खा रहे हो, चाहे आप ज्वार खा रहे हो या मक्का खा रहे हो या गेहूं खा रहे हो, तो इसमें आपको कौन से पोषक घटक मिलते हैं, ताकि आप आपके खाने का चयन समझदारी से कर सके। इसके आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो इसमें यह भी बताने वाला हूं कि आपको चावल खाना चाहिए या गेहूं खाना चाहिए, पॉलिश्ड चावल खाना चाहिए या अनपॉलिश खाना चाहिए, गेहूं हमको होल व्हीट खाना चाहिए या रिफाइंड जैसा उसके जो छिलके हो निकलते हैं यानी जिसको बोलते हैं पॉलिश्ड और रिफाइंड वैसा खाना चाहिए। तो यह सब जानकारी आपको मैं एक एक वीडियो में जरूर देने वाला हूं। दोस्तों ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र, दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें, प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें, भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं, न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें, 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।